हेलो दोस्तों, सैमसंग के सभी लेटेस्ट डिवाइस में ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर हमें मिल जाता है, लेकिन ये जो फीचर है ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ होता है। आपको इसे ऑन करना पड़ता है, किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है कॉल रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सैमसंग के नए डिवाइसेस में कॉल रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है। ये है मेरे पास सैमसंग का M51 डिवाइस और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से कॉल रिकॉर्डिंग को इनेबल किया जाता है, और यही आपकी प्रोसेस बाकी सारी डिवाइसेस में भी काम करेगी। तो कॉल रिकॉर्डिंग ऑन करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे हमारे डायलर में। डायलर में जाने के बाद आपको तीन डॉट्स दिखेंगे ऊपर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद सेटिंग पर क्लिक करेंगे। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर रिकॉर्डिंग कॉल्स का जो ऑप्शन है देखने को मिलता है, ये इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये ऑफ होता है तो इसे हमें ऑन करना होता है। यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन है नोटिफिकेशन और दूसरा ऑप्शन है ऑटो रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो है, अगर आप नोटिफिकेशन देखना चाहते हो, जैसे ही कॉल रिकॉर्ड हो जाती है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, तो इसे ऑन कर देना है, और कॉल रिकॉर्डिंग करने के लिए ऑटो रिकॉर्डिंग को ऑन कर देना है। ये दोनों ऑप्शन मैंने ऑन कर दिए हैं। रिकॉर्डेड कॉल्स आपको यहाँ पर शो होंगे, तो अभी एक भी कॉल रिकॉर्ड नहीं है। तो और यहाँ पर जो है, आप इंटरनल स्टोरेज या SD कार्ड सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये जो यहाँ पर ऑटो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया गया है, इसके ऊपर यहाँ क्लिक करेंगे। सभी कॉल्स को अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो ऑल नंबर्स को सिलेक्ट करें। अगर आप किसी अननोन नंबर को जो फ़ोन कॉल है वो रिकॉर्ड करना चाहते हो तो अनसेव नंबर पर क्लिक करें, या तो फिर आपके जो सिलेक्टेड नंबर्स होंगे, अगर आप चाहते हो को कोई पर्टिकुलर नंबर का ही कॉल रिकॉर्ड हो तो आप सिलेक्ट नंबर पर क्लिक करें और यहाँ पर ऐड रिकॉर्ड नंबर जो है यहाँ पर कॉन्टैक्ट आप ऐड कर दीजिए। तो अब मैं यहाँ पर ऑल नंबर्स पर क्लिक कर देता हूँ। फिर हम चलते हैं बैक और एक कॉल करते हैं नेटवर्क को। तो यहाँ पर मैं डायल कर देता हूँ 198 और कॉल कर देंगे और देखेंगे रिकॉर्डिंग कैसे होती है। तो जियो हेल्पलाइन के लिए ये जो है कॉल लग चुकी है। यहाँ पर मैंने स्टॉप कर दिया है और जो हमारी कॉल है वो अब रिकॉर्ड हो चुकी है। अब हम चलते हैं पीछे और यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन भी मिल चुकी है, कॉल रिकॉर्डेड। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आप देख सकते हो हमारी जो कॉल है यहाँ पर आ चुकी है, किस तरह से रिकॉर्ड हुई है चेक करेंगे। और यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसे फाइल से ओपन। Welcome to Jio Marathi Sathi. हेल्पलाइन के लिए एक ये जो दबा. To रिकॉर्ड continue लग in चुकी English, है। press 2. Hindi के लिए 3 दबाएं. तो दोस्तों हमारी जो कॉल है बहुत ही अच्छी तरीके से रिकॉर्ड हो चुकी है। तो इस तरह से आप अपने सैमसंग के सभी नए डिवाइसेस में ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग को इनेबल कर सकते हो। और दोस्तों आपको अब समझ आया होगा कि किस तरह से ये जो फीचर है वर्क करता है, किस तरह से साउंड क्वालिटी हमें मिलती है। तो दोस्तों बस आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते बहुत ही जल्द नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।